आज है 10 तारीख 10 जुलाई और ये देखिए मेरे कितने अच्छे बन गए ये वाले, ये देखिए क्या बढ़िया बने हैं ना, दोनों ही ऐसे बढ़िया बन गए हैं। अब मैं इसको दूसरे बर्तन में डाल के ना अभी थोड़ी देर में रखती हूँ फ्रिज में, ये देखिए अब 1-2-3 दिन निकल जाएंगे हमारे इसको। आज मैंने छोले वाला काम नहीं किया, वो चने मूँगफली भिगोती थी ना वो नहीं भिगोई, अब 1-2 दिन यही खाएंगे, दो दो एक जैसी चीज़ें क्या खानी है। और मैं आपको दिखाती हूँ ये सब्ज़ी जो रात को बनाई थी अभी फ्रिज से निकाली मैंने, थोड़ी सी बची मेरी आलू घी की सब्ज़ी, आलू घी या मटर ये देखिए बची थोड़ी सी है, ये देखिए 2 जनों का शादी या 1 जने का काम तो चल जाएगा। चलो देखते हैं, अभी तो हम चाय के साथ सैंडविच बनाने की तैयारी कर रहे हैं, सामान निकाल के रखा था ये जो है ये मैंने पी लिया है, गर्म पानी में डाल के साथ में ये डालती हूँ मैं, ये देखो ये थोड़ा सा डाल लेती हूँ चुटकी भर, और ये मेरा पौधा अच्छा लग रहा है ग्रीन ग्रीन, ठीक है। और उसके बाद जो है बाकी ये सारा सामान तैयार कर लिया, अभी सैंडविच बनाने लगी हूँ, एक पासे चाय रखी एक पासे सैंडविच, चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। अरे हमारे भुजिया ले देंगे साथ और चटनी के साथ। आज मैं बना रही हूँ कच्चे पपीते के परांठे, कच्चा पपीता पड़ा था मेरे पास तो मैंने क्या किया इसमें देसी घी एक साइड लगा रही हूँ, दूसरा घी मेरे पास ख़त्म हो गया अभी निकालना पड़ेगा, तो मैंने सोचा चलो और एक गैस तेज कर देती हूँ। एक ये बना पड़ा है, कुछ बन चुके हैं बस इतना सा आटा रह गया। तो मैंने क्या किया था कच्चे पपीते को धो लिया था, उसके बाद कुछ छीला था, छील के उसके बीज बीज निकाल के फिर उसको कद्दूकस करा, कद्दूकस करने के बाद फिर मैंने उसमें डाला हरा धनिया, हरा प्याज, हरी बड़ी वाली मिर्च, 2 हरी बड़ी मिर्चें डाली थी और धनिया भी डाल के फिर बेसिक मसाले डाल के उसको उस आटे के साथ ही भूंद लिया, और ये बन रहा है हमारा कच्चा पपीते का परांठा। व्यूअर्स आज है 11 तारीख दोपहर का टाइम है और मैंने बनाई है भिंडी, ये देखिए बन चुकी है, लंबी लंबी काट के बनाई है, बिना बेसन वाली बनाई है, हर बार बेसन वाली नहीं बनाती मैं। और इधर रोटी बन रही है, आटा तैयार बेला हुआ है, और ये लस्सी मैंने बना ली है सबको दे दी, मेरे से की लस्सी है, और यहाँ बूंदी वाला दही रेडी है हमारा, ये देखिएगा बूंदी वाला दही तैयार है, यानी कि जितना दही जमाते हैं ना सारा फिर एक ही बार में ख़त्म हो जाता है, बस जाग के लिए रखती हूँ मैं। और बाकी जो है ये मेरे हस्बैंड की लस्सी इधर पड़ी है और वो चटनी पड़ी है उसकी आंवले की, ठीक है बस अब हम खाना स्टार्ट करने वाले हैं। ये देखिए चटनी पड़ी है, ये स्वाद लगती है सबको, सब खत्म हो जाती, तो चलिए मैं खाना पहले पूरा बना लेती हूँ बाद में। हेलो व्यूअर्स, हाँ मैं ये कह रही थी कि कल क्या हुआ, हम लोग बाहर गए थे शाम को 6 बजे निकले, 4 बजे के निकलते 6 बजे निकले कल, रात के 12 बजे आए, तो बता इतनी दिक्कत हो गई बस भी नहीं मिल रही थी, हार के ऑटो करना पड़ा, और ऑटो वाले रात के टाइम कितने पैसे मांगते हैं आपको बताइए, नाइट चार्ज लग जाता है रात को, ठीक है। और खूब मज़ा आया हमें, कल गए थे कनॉट प्लेस और वहाँ पर हम घूमते रहे, एक जगह भूख लगी तो एक जगह रेस्टोरेंट में भी घुस गए, वहाँ हमने इडली खाई, 3 इडलियाँ थी, उससे हमारा दोनों का पेट काफ़ी भर गया था काफ़ी, ठीक है। वो थोड़ी सी अलग ही तरह की इडली थी, थोड़ी मतलब स्पाइसी वाली इडली थी, तो फिर हुआ क्या उसके बाद फिर ये एक उसमें घुस गए थे, एक वो थोड़ा रेट करवाना था उसमें ब्यूटी पार्लर सैलून में, गीतांजलि सैलून में, तो वहाँ पता क्या हुआ उसका रेट इतना हाई था, और वैसे जो संडे था ना कल उनका स्टाफ आधा छुट्टी पे गया हुआ था, और मैंने प्री बुकिंग पहले ही हो रखी थी, तो क्या कहते हैं मैंने कहा रेट पता कर ले। अब ये देखो आईब्रो बनवानी है हमारे घर के नीचे जो पार्लर है वहाँ 40 रुपीज़ लगते हैं, वहाँ आईब्रो के 100 रुपीज़ थे, ठीक है। और अपर लिप्स कराने हो 70 रुपीज़ उधर, और मैंने सोचा था फ्री है मेरे को कैसी मैं आपका फैशियल करा दूँगी, मैंने कहा ठीक है, मैं कहा पर इतने महंगे में मैंने कराऊँगी भाई, तो हद ज़्यादा महंगे वहाँ पर स्टार्टिंग ही पता कितना 3,600 से फैशियल स्टार्ट हो रहा था, और GST अलग डलेगा वो सब मिला मिलू के 4,000 रुपये में सिंपल वाला फैशियल होता है ना, वैसे मेरे पास स्टाफ नहीं था तो मैंने तो वैसे भी नहीं करवाना था, इतना महंगा 4,000 का फैशियल कौन कराएगा, कि बच्चे तो अपना कुछ ना कुछ कराते रहते महंगा महंगा, पर मैं नहीं कराती उनकी, चलो अभी एज है 40 एज के अभी, मतलब कि हमारे को इतनी ज़्यादा वो नहीं है ज़रूरत। हाँ तो उसके बाद उसने पता नहीं वो कराने बाल स्ट्रेटनिंग कराने थे, 6,000 रुपये में बाल स्ट्रेटनिंग हो जाएंगे, नीचे इसने करवाए थे एक बार कैराटीन वाला कराया था, नीचे मेरे 4,000 रुपये लगे सिंचा, नीचे वाला कौन सा सस्ता है, पर कनॉट प्लेस में तो बहुत महंगा, ठीक है ना। एक तो वो रेट पता किया, उसके बाद मोबाइल की दुकान में घुस गए, 2 मोबाइल की दुकानों में घुसे, इतने में ही
और खाया पिया थोड़ा बहुत। इतने में पता है कितना कितना टाइम हो गया, हनुमान मंदिर गए सबसे पहले, हनुमान मंदिर गए वहाँ पे इतने एक घंटा लगा दिया इसने अंदर, क्या रश ही बहुत था। मैं तो इतना दुखी हो गई ना, बाहर वेट कर रही थी पर बड़ा अच्छा लगा था, लाउड स्पीकर लगा के ना बड़े अच्छे भजन गा रहे थे वैसे, पर बंदरों ने अपनी अफला अफतूनी मचा रखी थी, मतलब बहुत ज़्यादा शरारती बंदा। और मैं जहाँ बैठी थी ना उसके पास किसी ने प्रसाद गिराया हुआ था बेंच पे, कोई उसके पास ही जड़ंगे लगा रहे, मैं तो दो बार डर के बेंच से उठ गई, मेरे का बाप रे फिर मेरे को ही ना मेरा कुछ ना छीन के ले गए, अगर किसी का मोबाइल हो हाथ से छीन के ले गए तो फिर क्या होगा बताओ, क्या वापस तो देने वाले नहीं है ना। तो मुझे तो बड़ा डर लग रहा था, दो बार उठी मैं बेंच से, मेरे बिल्कुल पास से चिपक के डरंगे लगा रहे पास में वो टावर था इतना ऊँचा, उसके ऊपर अफलातून मचा रखी थी मैंने, फिर भी बस ये सब करते करते ना 11:30 हो गए रात के, फिर इसने वहाँ पे चाय चाय पी हनुमान मंदिर के उधर, जो चाय मिलती है बड़ी पसंद है इसे, वो भी दोनों ने भी मतलब मैंने को भी दी इसने। अभी करते करते 11:30 बज गए होंगे, 12:15 हम बस के लिए जू खड़े हुए, आधा घंटा खड़े रहे बस, कोई बस नहीं आई, एक बस आई थी बस, और वो भी नहीं रुकी, वो भी साइड से निकाल के ले गया। ठीक है, हार के ऑटो करा, ऑटो करके करा, हस्बैंड को नहीं बताया कि ऑटो करा, उसको बोला बस नहीं बोला, फालतू की फिल्म खत्ती पसंद नहीं है। कल उनको बोला था मैंने सामान लिख के दिया था, राज मंदिर चले आना, मैं जा ले गए हो नहीं गए, बस अपने एक्सरसाइज कर लिए, पार्कों में करनी, कुछ घर में करनी है, कुछ पार्कों में करनी है, कुछ ऑफिस में करनी है, तीनों जगह एक्सरसाइज ही करनी है। अभी बता रहे हैं बाहर बहुत तेज बारिश आ रही है, और इनको बताओ ऑफिस जाना था एक्सरसाइज करना, अरे हाँ ठीक है ठीक है, वो कह रहे बारिश आ रही है, मैं कैसे जाऊँगा, मज़ा आ गया। तो पापा ही है ना, घर में भी कर लेते हैं, तब वो बिछा के मैट और क्या, ऑफिस में भी कर लेते हैं, पार्क में भी जाके कर लेते हैं, बताओ फिर वेट कम नहीं होगा इनका, क्या बढ़ेगा तो नहीं कम नहीं होगा, सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज तो किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती। और दूसरा पता क्या, फिजियोथेरेपिस्ट कई दिन से नहीं आ रहा, वो कह रहा था आ जाऊँगा मंडे को, मैं लखनऊ गया हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया, वो गायब भी हो गया, वो तो हफ्ता 10 दिन हो गए वो गायब भी हो गया, और मेरी एक्सरसाइज भी पूरी तरह से छूट गई है। पता है मैं घर के कामों कुमों में लगी रहती हूँ, थक जाती हूँ, फिर लेट जाती हूँ, फिर वीडियो वगैरह अपनी एडिट कर लेती हूँ, या किसी के भी देख लेती हूँ, बस यही मेरा तो रूटीन हो गया आजकल, मेरा सारा वर्कआउट बंद हो रखा है। पर कल मैं बहुत चली यार भैया ना, जब मुझे मौका मिलता है मैं चलती हूँ, ऐसी बात नहीं है, कल मैं बहुत चली कनॉट प्लेस में आके, मेरी वो हालत ख़राब थी ना, मेरी पीछे इतनी दर्द थी कि मैंने वीडियो तक नहीं एडिट करी इतनी दर्द थी ना, वीडियो भी नहीं एडिट हो रही थी, फिर भी खाना हस्बैंड के लिए आके खाना बनाया मैंने। ठीक है, हम लोगों ने फल काट के खा लिए, मैंने और साथी ने फल काट के खा लिए, और उसके बाद पता क्या, उसको रात को फिर भूख लग गई, कहती भूख लग गई, मैं कहा मैं क्या करूँ भाई, इसने बर्मा से ली बनाई खुद और सबको दी उसको, मतलब बनाना आता है फिर खाना, ऐसी बात नहीं है, वो बना लेती है, कभी मुसीबत पड़ जाती है खाना बना लेती है। चलो मैं काम कर लूँ, वीडियो बड़ी लंबी हो गई है। तो तेज़ बारिश आ रही है ना, बड़ी तेज़ आ रही है, देखो ये देखो कितनी तेज़ बारिश आ रही है। चलो एक काम तो अच्छा होता है कि पौधे साफ सुथरे और चमकदार बन जाते हैं, ये मेरे को अच्छा लगता है, थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है, देखा कई दिनों से ना बादल बने हुए थे, बारिश आ ही नहीं रही थी, हवा तेज चलती थी, बादल ही उड़ जाते थे, पर आज तो मूसलाधार बारिश आ रही है, मूसलाधार। कि मेरे पायदान पड़े हैं, मैं भी उठा के अंदर रखती हूँ, कल झाड़ू पोछा लगा ना सारे घर में, ये पायदान मैंने झाड़ के बाहर रख दिए थे, अभी डालती हूँ इनको अंदर, मज़ा आ गया ना इतनी तेज़ बारिश। ये हमारी सड़क अच्छी है, पानी इकट्ठा नहीं होता, वो कैसे बच्चा भाग रहा है बेचारा बारिश में, एक और भाग रहा है, दो भाग रहे हैं, लोग जाने वाले जा रहे हैं, आने वाले आ रहे हैं, क्या कर सकते हैं, जिसको जाना है वो बारिश में भी जाएगा, जो जो बहुत ज़रूरी होगा तो, और नहीं तो अभी हस्बैंड ने जाना है, वो कह रहे मैं कैसे जाऊँ ऑफिस, मैंने कहा रुक जाओ थोड़ी देर, कौन सा बहुत देर बारिश आनी है, थोड़ी देर में रुक जानी है, चलो मैं जा रही हूँ अंदर। ठीक है, हम जाके रोटी बनाते हैं, मैं तो देखने आ गई थी कि क्या हाल चाल है बाहर का। We'll be right back.